नमस्कार, वेलकम टू फूड स्पीसीज। आज मैं एक बेवरेज शेयर करने वाली हूँ। आज बनाएंगे डालगना कॉफ़ी। तो डालगना कॉफ़ी जो है वो 12 से 15 मिनट के अंदर बन के तैयार होता है। अगर हम इसको ठीक प्रोसेस में बनाएं तो एकदम झाग वाला, जैसे रेडीमेड वाला टेक्सचर में इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ये है उबला हुआ दूध, नॉर्मल टेम्परेचर में है अभी। इसमें पहले हम ऐड करेंगे शुगर। तो एक कप डालगना कॉफ़ी के लिए मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हो। अभी हम दूध को फ्रिज में रख लेंगे। एक बाउल में ले लेंगे 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। ये नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर है, रेगुलर हम जो यूज़ करते हैं वो वाला कॉफ़ी पाउडर। उसके साथ ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शक्कर पाउडर। अभी ले लेंगे 2 टेबल स्पून गुनगुना दूध। गुनगुना दूध के बदले आप चाहे तो गुनगुना पानी भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो तीन चीज़ हमने लिए है सब सेम मेजरमेंट में हमने लिए है, 2 टेबल स्पून ईच। अभी हम इसको बीट करेंगे। हाथों में अगर हम बीट करते हैं तो 12 से 15 मिनट लगता है इसको तैयार होने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में बस 5 से 6 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है कॉफ़ी, आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हुआ है। तो और 10 मिनट इसको हम बीट करेंगे। कंटिन्यूसली बस आपको बीट करते रहना है। कॉफ़ी का कलर भी अभी चेंज हो चुका है और 1-1.5 मिनट में हमारा डालगना कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी बन के तैयार हो जाएगा। कॉफ़ी का झाग एकदम थिक हो चुका है तो अभी हम बीट करना बंद करेंगे। एक ग्लास मैंने ले लिया है, उसमें ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स। आइस के ऊपर ऐड करेंगे ठंडा वाला दूध, 1/2 ग्लास तक फुल करेंगे दूध में। सबसे ऊपर ऐड करेंगे कॉफ़ी का जो झाग हमने बनाया था उसको, उसमें हम ग्लास को फुल कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना थिक हुआ है कॉफ़ी और अच्छे से गिर रहा है। मेरे पास एक हार्ट शेप वाला मोल है, इसमें हम कॉफ़ी के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेके उसके ऊपर हार्ट शेप में एक डिजाइन कर देंगे। तो अभी हमारा डालगना कॉफ़ी बन के तैयार है। आपने देखे होंगे कितनी जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है और कितना सुंदर है ये। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सी है तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये बस 5 से 6 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में मीडियम में रख के आपको 5 या 6 मिनट तक बीट करना है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें।